सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, लेकिन उनमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फार्माकोरिस। आज का ये वीडियो जीपैट 2023 के रिगार्डिंग है। आई एम अशोक, मेरा जीपैट क्वालिफाइड 2021 में हुआ था एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। सो आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास कम टाइम है, जैसा कि अभी जीपैट के एग्ज़ाम अगर हम प्रोबेबली देखें तो अप्रैल लास्ट वीक में होगा, तो अभी 1 और 1.5 मंथ है हमारे पास, 45 डेज मैक्स टू मैक्स। सो 45 डेज में या 40 डेज में हम कैसे जीपैट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, कौन कौन से टॉपिक्स जो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है, कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इन सब पे हम बात करेंगे। और लास्ट में हम कट ऑफ्स क्या रहती है और पेपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। तो आप अगर हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें मिलेगी, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और इजीली आप, मैं कहता हूँ 1 मंथ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 1 मंथ या 40 डेज आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए इनफ है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जीपैट में हमको सबसे ही पहले, अगर आप आज स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि एक जीपैट का सिलेबस की कॉपी निकालिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 4 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब से एनटीए ने क्वेश्चन पेपर कराना स्टार्ट किया है, पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। ओके, तो लास्ट 4 साल के आप क्वेश्चन पेपर और जीपैट के सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवाइए, उसका जेरोक्स निकलवाइए और अपने पास रख लीजिए। उसके बाद एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और उस क्वेश्चन पेपर्स में से और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जीपैट का जो सिलेबस है उसमें टिक करते जाइए और जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, और दूसरे आप और वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कम टाइम है तो हमको सेलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, कई ऐसा कहते हैं कि हमको मेजर सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, माइनर छोड़ देने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं लेकिन उनमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी से अगर आप एक महीने से 45 डेज के अंदर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि कट ऑफ 30% के आसपास रहता है, 30-35-40% 500 मार्क्स में से मैक्सिमम 180 कट ऑफ गया था जनरल का, उसके ज़्यादा तो कभी नहीं गया। तो अगर आप 160, 170, 180, 150 से अबव भी लाते तो बहुत अच्छा चांस बनता है। तो 500 में से इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ते हैं तो भी, ठीक है। तो हम सिलेबस में बात करें तो कौन किस किस का सिलेबस है, जैसे कि आपको साइड स्क्रीन में दिखा रहा हूँ मैं, एक तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें से 38 क्वेश्चन आते हैं। और ये मान के चलिए, अगर कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि केमिस्ट्री उनकी अच्छी नहीं होती है तो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री के बिना सेलेक्शन इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री में इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में 2-3 केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो गया, इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस पूछते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी पूछते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेसिक कंपाउंड है या कौन सा एसिडिक है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, क्योंकि अपन ने केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है, अपना इंटरेस्ट नहीं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। जस्ट आप कुछ दिन के लिए लेके बैठिए उसको और जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस करिए, वही क्वेश्चंस एनटीए वापस पूछता भी है, ठीक है। और एनालिसिस में, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत सारे टॉपिक्स है, उनको अच्छे से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रीवियस 4 ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए एक दिन पूरा, सुबह से शाम तक, और उनका निचोड़ निकालिए कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा आता है, क्योंकि अपन टाइम कम है तो जहाँ पे जो ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अपने को उतना ही पढ़ना है। ओके, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री
और दूसरा फार्मास्यूटिक्स से। फार्मास्यूटिक्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है और इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी करनी है आपको, है ना। ओके अब हम ये दो सब्जेक्ट हो गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चंस आते हैं, फार्मास्यूटिक्स में भी 38 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जो कि रिटर्न है आपके स्क्रीन पे। ओके फार्मास्यूटिक्स में भी 2-3 है अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक्स, तो उन सब पे आपको अच्छे से कमांड करनी है। फार्मास्यूटिक्स तो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, उनमें भी सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने। फिर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो कुछ लोगों की फार्माकोग्नोसी ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती है। तो आजकल जो NTE पेपर बनाता है उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन नहीं देता है, ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं देता है, कोई भी रटे रटाए क्वेश्चन नहीं देगा, आपको लॉजिकल क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो फार्माकोग्नोसी भी आप, मैं बड़ी बुक की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो आपको नोट्स से, यूट्यूब से जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी हाथों हाथ करें। ओके तो फार्माकोग्नोसी में आप कर सकते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी के 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, और फार्माकोलॉजी के 28 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी में। कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ फार्माकोलॉजी को लेके बैठ जाते हैं, KD त्रिपाठी लेके बैठ गए और बहुत उसी को रटे जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस इतने हार्ड आते हैं, अगर आप कितना भी पढ़ लो ज़्यादा तो भी क्वेश्चंस आप पूरे नहीं कर पाओगे। उसमें आपको कई बार केस स्टडी पूछ लेते हैं, कई बार कुछ बहुत ही डीप से जो कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी भी पढ़ो तो जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है आपको, और जो भी आप क्वेश्चन पेपर पुराने देखेंगे उसमें जो जहाँ जहाँ ज़्यादा वेटेज लगता है वो तो पढ़ना ही है। जनरल फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब आजकल जो किसी ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ लिया ऐसा नहीं पूछेंगे। पहले क्या होता था कि हम रट लेते थे बस साइड इफेक्ट, सारी ड्रगों के साइड इफेक्ट रट लिए, सब ड्रगों के यूज रट लिए, सब ड्रगों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन छोटा सा, या जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है जो मेन वो रट लिए, वो नहीं पूछते हैं। जब से NTE एग्जाम कराने लगा है बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आता साइड इफेक्ट या यूज का। तो अपन तो फार्माकोलॉजी वही समझते थे साइड इफेक्ट और यूज पढ़ लो कोलॉजी कंप्लीट, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी इतने दिनों के लिए आप पूरा जो क्लासिफिकेशन को रटने जाएंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहले से क्लासिफिकेशन आते हैं, आप किस स्टेज में हैं अभी उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही क्लासिफिकेशन नहीं आते हैं ज़्यादा तो आप क्लासिफिकेशन को नहीं रट सकते इतने कम टाइम में। तो आप इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्लासेस पढ़ सकते हैं, ड्रग्स पढ़ सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट में जैसे जो ज्यूरिसप्रूडेंस है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके लिए बोनस है समझ लीजिए। उस सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्वेश्चंस देखिए, और अगर उसमें आप 2 दिन अच्छे से देते ना तो उसके 5 के 5 क्वेश्चन करने के आप कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। और जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, वो सब्जेक्ट उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट बढ़ा है, तो उसमें से कुछ जैसे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में से, हार्मोनल सिस्टम में से, या फिर जो बोन्स वगैरह है उनमें से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए उसमें से डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उनको जो GPAT का सिलेबस है उसमें टिक कीजिए और उसको पढ़ना है। ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात, जो भी सिलेबस है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ना है। अब कोई भी टॉपिक पढ़ना कैसे, जैसे आपने बहुत सारे टॉपिक सेलेक्ट कर दिए सिलेबस में, उनको टिक कर दिए पेन कॉपी लेके, अब एक से जब स्टार्ट करोगे आप पढ़ना, तो जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, एक तो उसका यूट्यूब से बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उनकी वीडियो देख लीजिए। कुछ वीडियो मैं भी डालने वाला हूँ, कुछ डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का वीडियो देखा, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स से पढ़िए, और हाथों हाथ उसी टॉपिक के क्वेश्चंस यूट्यूब से आपको कर सकते हैं या गूगल पे मिल जाएंगे आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस, यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे। उस टॉपिक के 10-20 क्वेश्चन देख लीजिए, एक टॉपिक आपका अच्छा कवर हो जाता है अगर आप उसके बाद टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ऐसे करके आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने सेलेक्टिव किए थे उन टॉपिक्स को पढ़ना है,
तो आपका क्या है कि अच्छे से एक बार कवर हो जाएगा। जब एक बार जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए वो सब पढ़ लिए, उसके बाद पूरा सिलेबस होने के बाद, आपके हिसाब से जो टॉपिक सेलेक्टिव थे उसका सिलेबस होने के बाद, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वापस से पढ़ना है और उन क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करना है, उनके आसपास के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तभी आपको समझ में आएगा ना प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप पहले दिन कोई भी टेस्ट सीरीज लेके बैठ गए, टेस्ट देने बैठ गए, तो आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं है। तैयारी 1 महीना करो और फिर लास्ट के जो कुछ दिन बचते हैं उसमें टेस्ट सीरीज में टेस्ट दीजिए, उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, और हम कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, बीच में 2021 में ज़्यादा कट ऑफ हुई थी, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तब 180 जनरल की कट ऑफ हुई थी, 183 या अराउंड। लास्ट टाइम कट ऑफ वापस 160 के आसपास आ गई, जो मैं जनरल के कट ऑफ कह रहा हूँ। तो कट ऑफ 160 हाईएस्ट मान लीजिए, 170 हाईएस्ट मान लीजिए, इसके ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 150, 140, अगर आप एससी एसटी के आसपास आते हैं तो 100, 120 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो आपको 125 पूरे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन करने कितने, 30, 35, 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, और जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं लेकिन सेलेक्टिव पढ़ने हैं। और कई आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा कोई टॉपिक, तो वो छोड़ दीजिए, नहीं होगा, उसमें ज़्यादा टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो और जो टॉपिक्स ज़्यादा मार्क्स के हो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, और आपको देखने हैं प्रीवियस 4 साल के ही क्वेश्चन पेपर हैं, उससे पहले जो आप 2015, 2016 के पेपर देखोगे वो क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। उस टाइम पे हमेशा जो रटे रटाए क्वेश्चन पूछे जाते थे कि भाई इसका साइड इफेक्ट क्या है, या ये है, जैसे एबीसिल किसका नाम है, वो जो केमिस्ट फार्मास्यूटिक्स में पूछते थे, अब ये सब नहीं पूछते कि भाई जो अपने उसकी क्या कंसंट्रेशन रहती है सिरप की इंडियन में, वो आजकल नहीं पूछते। आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, जब से एनटीए क्वेश्चन पेपर कराने लगा है तब से कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन लेकिन बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे अच्छे कंसेप्ट वाले। तो आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स, और कुछ आपको जो सब्जेक्ट, क्योंकि किसी का फेवरेट होता है वो उसी पे लगा रहता है, बस एक सब्जेक्ट से आप कभी भी कितना भी अच्छा पढ़ लो उसके 100% मार्क्स नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, क्योंकि तभी तो जीपेट की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, 130%, 40% क्यों जाती है, इतना हार्ड पेपर होता है तब जाके इतने नंबर आ पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड होंगे, वो नहीं होंगे, मैं जस्ट आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको क्वालिफाई करना हो तब, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए, सारे सब्जेक्ट में से सेलेक्टिव टॉपिक्स पे फोकस करिए और आप अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। फर्दर वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।